तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल कंट्री के जॉब के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जॉब आने वाला है। तो किस किस कैटेगरी का जॉब आने वाला है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और क्या बदलाव होने वाला है इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड करें अपने चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख करके अपने जॉब के लिए अप्लाई कर पाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इजराइल कंट्री का बहुत ज़्यादा जॉब आ रहा है इंडिया में और बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मार्च में और अप्रैल में बहुत ही बड़ा वैकेंसी आने वाला है इजराइल कंट्री का, हर एक कैटेगरी का। बहुत सारे मेरे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्लम्बर का कब आएगा, इलेक्ट्रीशियन का कब आएगा, ड्राइवर का कब आएगा, मेसन का कब आएगा, एग्रीकल्चर का कब आएगा। तो दोस्तों पूरा जॉब आने वाला है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल और मार्च में बहुत ही ज़्यादा जॉब ओपनिंग होने वाला है इजराइल कंट्री के लिए। बात करें हम बदलाव की तो क्या बदलाव होने वाला है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया में तीन ही चार ऑफिस ऐसे जो हैं जो इजराइल कंट्री का काम करके आपको देने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैन पावर ऑफिसों में इसका रिक्वायरमेंट आने वाला है। जिस तरीके से गल्फ कंट्री का ये लोग काम करते हैं तमाम ऑफिस, उसी तरह से इजराइल कंट्री का भी काम होने वाला है। तो दोस्तों इसमें बदलाव क्या होने वाला है, इसमें बदलाव होने वाला है आपके सैलरी के ऊपर, आपके खाने के ऊपर, आपके रहने के ऊपर, आपके आने जाने के ऊपर। तो दोस्तों बहुत सारा जॉब ओपनिंग होने वाला है, इसके लिए आदमी भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो जब बहुत ज़्यादा आदमी उनको मिल जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, यानी कि उनका जॉब वैकेंसी फुल हो जाएगा, तो सैलरी कम होने का चांस है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कम हो जाएगा, मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को बढ़ के सैलरी मिले और ज़्यादा पैसा कमा सके दोस्तों। तो अगर ये बदलाव होता है तो मेरे लिए थोड़ा दुख की बात है, आप लोगों के लिए भी दुख की बात है। और रहने खाने का जो अभी व्यवस्था है, जो मेरे भाई लोग कुछ गए हैं वहाँ पर, वहाँ का वीडियो आया है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी जो लोग वहाँ पर गए हैं, तो जैसे जानते ही हैं कि जब कोई नया नया जाता है तो जमाई की तरह से यानी दामाद की तरह से खातिर बातिर हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में बदलाव हो जाए और कुछ खाने पीने की चीज़ों में चेंजेस हो जाए, रहने की चीज़ों में चेंजेस हो जाए। तो इन सब बातों पर विचार चल रहा है, अभी रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो जो भी मेरा भाई जाना चाहता है किसी भी जॉब के बारे में, तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले ले और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना रिज्यूमे अपडेट करवा के रखे। किसी भी काम में अगर वो जाना चाहता है तो बहुत सारे काम के बारे में जॉब आया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है। अभी उसका डेट फिक्स नहीं हुआ है, जैसे ही डेट फिक्स होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसमें है प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद बेल्डर है, उसके बाद ड्राइवर भी है, एग्रीकल्चर भी है। तो सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट आ चुका है, फिलहाल अभी उनका डेट फिक्स नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि PCC भी न लगे, क्योंकि PCC के लिए बहुत सारे लोग अभी परेशान हो रहे हैं, डेट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए बहुत लोगों का PCC भी नहीं बन पा रहा है। और PCC की वजह से बहुत सारे मेरे भाई लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा हो रहा है। हो सकता है इन सब चीज़ों में बदलाव हो जाए, वो मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर तरीके से वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं और समझा सकूं। तो दोस्तों देखिए, आपको पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं कि वहाँ जाना सही नहीं है, तो भाई जो रिस्क लेगा वही पैसा कमाएगा ज़िंदगी में, और जो रिस्क नहीं ले पाएगा वो अपने ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा बहुत जान का रिस्क है वहाँ जाने पर, हो सकता है आने वाले समय में सारा मामला ख़त्म हो जाए और एक अच्छी तरीके से वहाँ लोग पैसा अर्न कर पाएँ।